of mass m carrying charge q are separated by some distance if they are in equilibrium under mutual gravitation. तो equilibrium है, किसका equilibrium है? Gravitational force और electrostatic force, वो equilibrium में है. बीच में suspended particle है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. नीचे की तरफ कौन सी force लग रही होंगी? Electrostatic. नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ अगर इक्वल अमाउंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम में होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? ई टाइम्स ऑफ मास. ग्रेविटेशनल फोर्स को हम mg भी लिख सकते हैं, ठीक है. अब आप जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर कहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं. कैपिटल जी फर्स्ट बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी का मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यहाँ ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा है तो पहले ऑब्जेक्ट का मास m और ये मास ऑफ अर्थ होगा. जी कैपिटल m बाई आर स्क्वायर, ये बनता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. अब हमको पता करना है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लगने वाली, इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे क्यू वन कौन है? दो पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है जी. तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है. वैसे यहाँ जी लेके फायदा नहीं है, बराबर है. जी कैपिटल है वही लेना पड़ेगा, स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ यूज नहीं होगा, ये ज्यादा बेटर है. जी पहले पार्टिकल का मास m, दूसरे का मास भी m, दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, ये दोनों खत्म. अब जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू k आ जाएगा. सो हमको पता करना है q बाय m, तो q स्क्वायर बाय m स्क्वायर कितना हो जाएगा? q स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय k, ठीक है. वैल्यूज रख दीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹, k का वैल्यू 9 × 10⁹. सो 9 7 = 63, नियरली इक्वल टू 0.7 मान लीजिए, इंटू 10⁻¹ कितना? −20. अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0.7 है, मतलब 0.25 मान सकता हूं मैं उसको. 25 का 625 होता है, सो ये 0.7, इसको 0.25 का स्क्वायर रूट मान लेते हैं, और साथ में कौन आ जाएगा? 10⁻¹. ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10⁻¹ के मैग्नीट्यूड में क्यू बाय एम का रेशो बनेगा, ठीक है.